सोया है नसीबा रबा, ऐसी है जुदाई वे। उमर बस अब नखरे नहीं करो, जल्दी से सिरप पियो। मुझे नहीं पीनी। उमर अगर आप दवाई नहीं लोगे तो ठीक कैसे हो गए? मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगा। देखो अगर ठीक नहीं हुए ना, कल दोबारा से स्कूल का ऑफ होगा। स्कूल का ऑफ मतलब बाबा नाराज है ना। चलो शाबाश, कोई नखरा नहीं, आ करो। इतनी सी बात थी। अच्छा मैं किचन में ये रखकर आती हूँ, आप प्लीज दुआ के पास मत जाना। आपको फ्लू है ना, मुझसे भी लग सकता, ठीक है? उमर मना किया था ना मैंने तुम्हें, समझ नहीं आती मेरी बात? तो ये रवैया रखती हो तुम बच्चों के साथ? ये तरीका है तुम्हारा बच्चे से बात करने का? मैंने इसे अब कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया तुमने किस तरह उमर से बात की है। तुम हकीकतन उमर को अपना सौतेला बेटा ही समझती हो। आज तुम्हारी असलियत खुल के सामने आई है। जब आपको बात का पता ना होना तो उस पर मजीद बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी यहाँ पर खड़े होकर बातें नहीं सुनती रहूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों सुनोगी? तुम्हारे अंदर तो आना और अकड़ इतनी आ गई है। प्लीज साकिब, तमीज से बात करो। जिसे बच्चों से बात करने की तमीज ना हो उसके साथ इज्जत से बात करना फजूल है। उमर अपने मामू को बताओ मैंने तुम्हें क्यों डांटा। क्या बताएगा ये? इस बेचारे का तो हाल ही तुमने बेहाल कर दिया। हमेशा डरा सहमा सा रहता है, खुदा का खौफ करो रावी, तुम्हारी भी अब औलाद है। आप सब लोग मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ गए? किसी की औलाद के साथ बुरा करोगी ना तो याद रखना पलट के तुम्हारे सामने भी आएगा। हाँ जहांगीर। हाँ साकिब, सॉरी मैं मीटिंग में था, तुम्हारी कॉल्स आ रही थी, मैं देख नहीं सका। खैरियत तो है? उमर को लेने आया था, याद है तुमसे कहा था मैंने? ओ अच्छा, हाँ ठीक है, तुम ले जाओ उसे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ख्याल रखना उसका। ये बात जरा तुम अपनी। क्या हुआ साकिब, कुछ कह रहे थे तुम? कुछ नहीं, मैं बस उमर को लेकर जा रहा हूँ, आ गया तो तुम्हारे घर। ओके खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो ठीक हो?